हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज हम आपको एनसीईआरटी के क्लास 8th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड यानी फ्रेंड मित्र और फो यानी दुश्मन। तो ये तो हम इसको जब पढ़ा चुकेंगे तो आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मित्र हो सकते हैं या फिर हमारे शत्रु हो सकते हैं। इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर कहा जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो यानी स्मॉल, नॉट स्मॉल, वेरी स्मॉल, सूक्ष्म, एंड ऑर्गेनिजम्स यानी जीव। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते। दोज ऑर्गेनिजम्स विच इज नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आईज। तो अगर हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, उसके बाद है प्रोटोजोआ, थर्ड नंबर पे है फंजाई और फोर्थ नंबर पे है एल्गी। चलो चारों की मीनिंग जानो। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही है, जीवाणु जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ और फंजाई। फंजाई यानी मशरूम, और प्रोटोजोआ एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी है। और फोर्थ नंबर पे जो है एल्गी यानी शैवाल, काई। शैवाल की सारी कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आती। तो ये जो चार कैटेगरी है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत है। आप ये भी सोच सकते हो कि वायरसेस, जो बहुत सारे वायरसेस होते हैं, इनको हमने क्यों नहीं कहा। देखिए, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रख सकते। हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये किसी जीव के शरीर में जाकर के ही अपनी आप को दिखाते हैं कि वो लिविंग है, यानी वो जीवित है। अगर कहीं अदर, मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हैं, कहीं बाहर पड़े हुए हैं, तो ये लिविंग्स नहीं, लिविंग वाला कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते। इसलिए इनको हम नॉन लिविंग और लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, और प्योरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते। अच्छा, वायरसेस के तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसा कि आप समझ भी सकते हो, और बहुत सारे डिजीज भी फैलाते हैं ये वायरस। तो कुछ जैसे कि कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सारे जो डिजीज हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाकी फोर कैटेगरी में नहीं बल्कि वायरसेस से होते हैं। तो इसी तरह प्रोटोजोआ, जिससे कि मलेरिया डिजीज फैलती है, डेंगू डिजीज फैलती है, और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कॉलरा है, टीबी है, टीबी जो कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं जो हमें बैक्टीरिया से भी फैलती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वायरसेस से तो हैं ही, वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चैप्टर में पढ़ाई जरूर करते हैं, क्योंकि वो भी एक वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म टाइप का ही है। क्योंकि जब बॉडी में जाता है तो वो जीव की तरह ही बिहेव करता है, और सिर्फ तो सिर्फ बीमारियां ही फैलाता है। अच्छा, फिर अगर हम आगे बढ़े तो आगे एक और कैटेगरी आती है जिसको हम एल्गी बोले यानी शैवाल बोले। तो एल्गी से हमें बहुत सारे बेनिफिट ही होते हैं, हार्मफुल कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर फंगस की बात करें, जिसको हम मशरूम नॉर्मली एक अलग नाम दे देते हैं, लेकिन मशरूम अलग एक प्लांट टाइप का, मतलब इसकी एक कैटेगरी है, लेकिन फंगस पूरा एक ग्रुप होता है। फंगस में कुछ बीमारियां जैसे कि स्केबीज यानी खुजली, खास खुजली टाइप का,
ये फंगस की एक बीमारी है। कुछ डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, दो अलग अलग कैटेगरी के हैं और बैक्टीरिया के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, जैसा कि आप देख रहे हो इस साइड, एल्गी। एल्गी है और एल्गी में स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ये दो एल्गी के कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, हालांकि ये दोनों ऐसे जीव हैं जो बीमारियां तो नहीं फैलाते, लेकिन प्रोटोजोआ की कैटेगरी का एक दूसरा है जो मलेरिया परजीवी के नाम से जाना जाता है, वो मलेरिया फैलाता है। और नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई में देखो, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो ब्रेड मोल्ड्स है, पेंसिलियम है और एस्परजिलस है। और वायरस के अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो देखिए, ये वायरस के डायग्राम है और जरूरी नहीं कि सारे वायरस इसी तरह के हों, लेकिन कुछ एक बेसिक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम शुरू करते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रहते कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एवरीवेयर, मतलब कहीं भी, हर एक टेम्परेचर पे, चाहे वो कोल्ड वाला हो, चाहे वो हॉट टेम्परेचर हो, या गर्मी, सर्दी, बरसात, किसी भी टेम्परेचर पे ये रहते हैं। क्योंकि इनकी कैटेगरी बहुत सारी हैं, इनके स्पीसीज बहुत सारे हैं, इसलिए सारे स्पीसीज एक ही टेम्परेचर में नहीं, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर में रहते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस की बात करें, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेरी, यानी हम लोगों की, ह्यूमंस की क्या साथ है, इनके बारे में अगर कहा जाए कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंध कैसा है, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेनिफिट्स यानी बेनिफिशियल और दूसरा हार्मफुल। हम दो कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे, या तो एक बेनिफिट वाली कैटेगरी और दूसरी हार्मफुल कैटेगरी। चलिए शुरू करते हैं बेनिफिट कैटेगरी। बेनिफिट कैटेगरी में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पॉइंट है। फ्रेंडली यानी मित्रता, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे काम करते हों, हमें कोई हार्म न करते हों, नुकसान न करते हों, उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कर्ड है, ब्रेड है, केक है, केक समझते हैं आप, ब्रेड भी समझते हैं, कर्ड यानी दही, दही, ये सब बनाने में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एनवायरनमेंट को अगर क्लीन करना हो, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे वेस्टेज जैसे वेजिटेबल पील यानी सब्जियों के छिलके, कुछ सड़े गले हमारे घर में फूड मटेरियल्स हैं, उनको अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो कुछ ही समय में आप देखते हो कि वो, कुछ ही समय क्या, एक दो दिन चार दिन में वो पूरी तरह से क्लीन रहते हैं, वहां कुछ नहीं रहता, वो सब मिट्टी बन जाता है। तो ये पूरा काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन तैयार होती है, वाइन या शराब जिसको हिंदी बोलते हो, या फिर शराब ही है। इसके अलावा सॉयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊपन, उपजाऊ यानी फर्टिलिटी की को भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन कैटेगरी वालों को हम कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, पॉइंट यही है, इसी को हम और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाने का सिस्टम देखें इनका, तो ये बहुत ही सिंपल सब्सटेंस, सिंपल चीजें हैं, कि मतलब बहुत समय पहले से ब्रेड और ये दही बनाने का काम हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस अभी तक सबको, अभी तक मतलब हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारे साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कवर किए, इसके इम्पोर्टेंस जाने, तो पता चला
कि ये दही बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल लें तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टो यानी मिल्क से संबंधित, बैसिलस कैटेगरी है इनकी। तो लैक्टोबैसिलस जो ये बैक्टीरिया है ये हमारे दूध से संबंधित जितनी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि अगर हम पनीर कहें, दही कहें, तो ये सब बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा चीज है, अचार है, फूड आइटम है, इडली, भटूरा, ये सब के सब बैक्टीरिया की कैटेगरी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया में हैं, वो सब बनाने में हेल्प करती हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया से बनती हैं। फॉर एग्जांपल पेस्ट्रीज है, केक है, मेकिंग बेकिंग इंडस्ट्री कैटेगरी में भी ब्रेड वगैरह है, ये सब हमारे इन्हीं बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। फिर आगे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इनके कमर्शियल यूज में अगर हम देखें तो कमर्शियल यूज में जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं, तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, वाइन है, एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड यानी विनेगर होता है, और ये सब के सब बार्ले यानी जवा, वीट गेहूं, और कुछ फ्रूट्स जैसे अंगूर वगैरह है, इन सब चीज़ों से तैयार किया जाता है, और राइस चावल से भी कुछ हमारे फूड आइटम जैसे इडली डोसा वगैरह भी तैयार करते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक फंजाई की कैटेगरी होती है, ईस्ट, YEAST। तो ये ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एक फंजाई कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, और ये शुगर जैसे कि गन्ने का जूस एक शुगर की ही सॉल्यूशन जैसा कह सकते हैं हम, तो गन्ने के जूस में से ये क्या करता है कि इसको फर्मेंटेट कर देता है, यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है, इसमें इसको सड़ा देता है, और सड़ा देने से इसी के बॉडी से कुछ एक्सट्रैक्शन निकलते हैं जो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उससे हम एस्टिक एसिड यानी सिरका तैयार करते हैं। इसके अलावा और भी फर्मेंटेशन में जैसे शराब है यानी वाइन, और इसके अल्कोहल हैं, ये सब तैयार करने के लिए हम फर्मेंटेशन की हेल्प लेते हैं, और ये हेल्प हमारी ईस्ट नामक फंगस हेल्प करती है। अगर हम इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिशियल के बारे में अनदर बात करें तो ये मेडिसिंस बनाने में हेल्प करती हैं। मेडिसिंस में अगर हम बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक के कुछ अगर एग्जांपल लें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारी जब हम कभी बीमार होते हैं तो इनको टेबलेट या इनका इंजेक्शन लेने से हम ठीक हो जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है इन्हीं बैक्टीरिया की हेल्प से हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, फंजाई की हेल्प से भी तैयार किया जाता है। जैसे एक पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अलेक्जेंडर नाम के एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1929 में इस पेंसिलिन का डिस्कवर किया था, और भी फंगस में, फंजाई की कैटेगरी से। तो पेंसिलियम, जैसा कि मैंने एक डायग्राम दिखाया था पेंसिलियम में, तो उससे ये पेंसिलिन तैयार होती है, ये एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, एक बात और है, कभी भी ध्यान देना कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है ये सिर्फ प्रेस्क्राइब डॉक्टर्स या क्वालिफाइड डॉक्टर्स से ही के ही सलाह से हमें खाना चाहिए। भले ही हम बीमार हैं और
कभी हम अपने से ही ले लेते हैं मेडिसिंस, वो हमारे लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिनको अगर बिना जरूरत के या बिना या गलत तरीके से खाने से वो बैक्टीरिया मर सकती हैं, जो कि हमें बीमारी एक नया रूप दे सकती है। इसलिए ये एंटीबायोटिक खाने से सेल्फ खाने से बचें और ज़रूरत पे ही खाएं, वो भी डॉक्टर्स की सलाह से। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी बैक्टीरिया के और वायरस के हमारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन का प्रिपेयर करके ह्यूमन बॉडी में, एक्चुअली ये ह्यूमन बेबी बॉडी में वैक्सीनेशन कराया जाता है ज़्यादातर वैक्सीन। अब वैक्सीन का सिंपल सा यूज़ है कि वैक्सीन एक इन्हीं बैक्टीरिया और फंगस की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में एक एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, यानी उस तरह की बैक्टीरिया जब भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगी या इन्फेक्ट करेगी तो ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। जो ये एंटीबॉडीज होती हैं ये उस बैक्टीरिया को किल कर देती है या उस फंगस को किल कर देती है। तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि अगर उस बैक्टीरिया से संबंधित चीजें यानी वैक्सीन अपनी बॉडी में पहले से एंट्री रहे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अलर्ट रहेगी, और जैसे ही ये बैक्टीरिया हमें अटैक करती हैं, हमारे इन्फेक्ट करती हैं बॉडी को, तो तुरंत उनको किल कर देती है। यही वैक्सीन का काम है। देखो, एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन का डिस्कवर किया था। उन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम की एक स्मॉल पॉक्स नाम के बैक्टीरिया के बारे में ये डिस्कवर कर रहे, मतलब इन्हीं के ऊपर इनका डिस्कवरी, इन्होंने 1798 में इस चीज़ का डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर। अच्छा, इसके अलावा आप देखते हो वैक्सीन की अगर हम और एग्जांपल लें तो हमारे घरों में जब हम बच्चे बचपन में थे तो हमारे यहाँ टीका लगाने के लिए कुछ लोग आते थे, आते अब भी हैं, लेकिन हमें नहीं, 5 साल तक के बच्चों को। और एक अगर आप इमेजिन करो तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि पोलियो का सबसे अच्छा पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत इसका पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत इसका पोलियो का टीका लगाया जाता है। यह टीका एक्चुअली वैक्सीन है जिससे कि दोबारा कभी भी, मतलब छुटपन में लगा देने से कभी भी अगर पोलियो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो पोलियो के अपोजिट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करके पोलियो को किल कर देती है और हम सेफ रहते हैं। और फिर इसके आगे 2 पॉइंट्स और हैं, इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि सॉयल फर्टिलिटी एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअली ये साइनोबैक्टीरिया ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी कैटेगरी का है, लेकिन बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का होता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों मिल करके, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया मिल करके सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा ग्रो बढ़ाते हैं। वो एक फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिक्स करने का मतलब कि फ्री नाइट्रोजन को उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद मिट्टी में मिला देते हैं जिससे हमारे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके अपने प्रोटीन्स वगैरह बना लेते हैं, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और ये बैक्टीरियाज भी इन्हीं प्लांट से अपना भोजन ले लेते हैं। ओके, हमारा जो ब्रॉड नेक्स्ट टॉपिक था, हार्मफुल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या हमारे बैक्टीरिया ने ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल सिस्टम क्या है, किससे हमें इनसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पॉइंट्स है
वो यही है डिजीजेस, बीमारी। ये बीमारी हम इनको अगर पढ़ें तो दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो कि एक से दूसरे में फैलती हैं, और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि फैलती तो नहीं लेकिन जिनको होती हैं तो उनको होंगे ही, किसी न किसी अदर माध्यम से, अदर सिस्टम से उनको होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, और इसमें कॉमन कोल्ड के अलावा चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी डिजीज फैलती हैं किसी न किसी माध्यम के थ्रू, जैसे एयर हो गया, भोजन हो गया, वाटर हो गया, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये फैलती हैं। तो इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें एयर, वाटर या कॉन्टैक्ट से नहीं बल्कि कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया की बात करें जो प्रोटोजोआ कैटेगरी का है, तो प्रोटोजोआ कैटेगरी का मलेरिया और डेंगू, ये दोनों, डेंगू फैलाने वाला एक मच्छर होता है जिसको हम फीमेल एडीज मॉस्किटो, और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बोलते हैं। और ये दो के दोनों इन प्रोटोजोअंस को, स्मॉल प्रोटोजोअंस या पैथोजेंस भी कहते हैं, इन पैथोजेंस को अपनी बॉडी में रखे रहते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते हैं। अगर किसी को एडीज है, किसी को मलेरिया है, तो उनको ये जाके काटेंगे, क्योंकि ये ब्लड इनका शक करने का मुख्य फूड मटेरियल है। ब्लड अगर ये शक करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो पैथोजेंस है, एडीज या फिर मलेरिया, मलेरिया परजीवी, तो वो उनकी बॉडी में आ जाता है, और आने के बाद ये किसी दूसरे को जब शक करने जाते हैं तो उनकी बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे ये एक फैलने का तरीका भी है इनका, और वहाँ दूसरे इंसान को ये बीमारी हो जाती है इस तरह से ये कुछ ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा अगर हम घर में देखें तो कुछ हाउस फ्लाई मक्खी हैं जो कि ये ज़्यादातर गंदे जगहों पे रहती हैं, गंदे जगहों पे बैठती हैं, और वहाँ से ह्यूमन के खाते वक्त भोजन में या किसी खुले फूड मटेरियल में आकर के बैठ जाती हैं, जिसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या ये प्रोटोजोअंस पैथोजेंस हैं जो एक जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं और हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी इस कैटेगरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि हमारे भोजन में बैक्टीरिया या फंगस के वजह से हमारा भोजन खराब हो जाता है। कभी कभी अगर हम एक लिमिटेड टाइम के बाद उस भोजन को खाते हैं तो उस भोजन में शुरुआत में क्या होता है कि उसके या तो उसकी स्मेल या कलर या उसके खाने का स्वाद, टेस्ट बदल जाता है, और अगर हम गलती से उसको खा लेते हैं तो हमारे पेट में बीमारी यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है उन्हीं बैक्टीरिया के वजह से, और हम एक बीमार इंसान हो जाएंगे। अगर अच्छे से सलाह, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट ना किया गया तो इंसान की जान भी जा सकती है इस फूड पॉइजनिंग से। तो ये भी एक बहुत ही निगेटिव रोल है इन बैक्टीरियाज का। अगर हम इन बैक्टीरिया या ये जो हाउस फ्लाई है, इनको, इनसे बचने का तरीका सबसे अच्छा है साफ सफाई रखना, और जैसे कूलर है, टायर है, या फ्लावर पॉट है, इनमें अगर पानी वगैरह कलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है, तो इसको अगर आप साफ रखें और हटाते रहें, बदलते रहें, तो ये लोग चूंकि इन्हीं गंदे स्थानों पे रहते हैं तो अपना ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, और धीरे 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 इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये फैला नहीं पाएंगे इस डिजीज को। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें से बहुत सारे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें ये भी है कि प्लांट्स में भी इन बैक्टीरिया के वजह से या फंजाई के वजह से कुछ बीमारियां होती हैं,
जैसे एक अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू में एक सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया से फैलती है। और दूसरी अगर फंजाई की बीमारी की बात करें तो गेहूं में रस्ट ऑफ व्हीट, ये ब्लैक ब्लैक टाइप का गेहूं में एक बीमारी आ जाती है, ये फंजाई की कैटेगरी से फैलता है। यानी फंजाई और बैक्टीरिया न सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बट आल्सो प्लांट्स में भी ये डिजीज फैलाते हैं। अगर हम कुछ अदर एनिमल्स की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि एनिमल्स में है, वो है अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस से फैलने वाले फूड एंड माउथ डिजीज एक एनिमल्स में बहुत डेंजरस ये डिजीज है। और अगर दूसरे बीमारी अगर हम बैक्टीरिया से बैक्टीरिया की बात करें तो एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज है जो बैक्टीरिया से फैलती है एनिमल्स में, वो भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डिजीज है। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इनका बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों ही इम्पोर्टेंस है। हार्मफुल भी ये करते हैं हमें, हमारे वस्तुओं को, हमारी चीज़ों को, और ये बेनिफिट्स भी देते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी, जो हमारा पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि ये मित्र हैं या शत्रु हैं, तो ये दोनों हैं। बस इनकी इम्पोर्टेंस हर जगह अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने भोजन को प्रिजर्व कैसे करेंगे। भोजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अचार है, मुरब्बा है, चावल दाल है, या रोटी है, या स्वीट्स हैं, तो इनको किस तरह से हम प्रिजर्व करेंगे। और हमारे और भी चीज़ें जैसे क्लॉथ्स है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो लेदर इंडस्ट्री में ख़राब कर देते हैं हमारे लेदर्स इंडस्ट्री को, तो इस तरह इनसे अगर बचना है तो एक लिमिटेड टेम्परेचर के तहत हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं अपने मटेरियल्स को, जैसा कि भोजन ही है। तो भोजन को अगर हम कुछ केमिकल मेथड से देखें, जैसा कि केमिकल मेथड में अगर हम देखें कि सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है जिससे अपने भोजन को हम खाने वाले फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय अगर कॉमन साल्ट से देखें, नमक से, जैसे अचार वगैरह है, अचार वगैरह में नमक या तेल की क्वांटिटी हम ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा अचार बचा हुआ रहता है। शुगर से भी हम अपने फूड मटेरियल्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल विनेगर है, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम अपने आवश्यक चीज़ों को बचा सकते हैं इन बैक्टीरिया से। और लास्ट में पॉइंट आता है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए ऑलरेडी मैं कई बार इनके बारे में बताया हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल यानी जो एनवायरनमेंट में फ्री नाइट्रोजन है वो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के थ्रू इस फ्री नाइट्रोजन का कन्वर्ट किया जाता है उनके नाइट्राइड्स में और नाइट्रेट्स में, यानी ये फिक्स कर दिया जाता है उनके ऑक्साइड में, और उस ऑक्साइड का यूज हमारे प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स यूज करने के बाद हम प्लांट्स से बने प्रोटीन्स, जैसा कि ज़्यादातर दाल या दाल वाले जितने भी सब्सटेंस जैसे अरहर, चना, मूंग, मटर, इन सब को हम खा करके उनसे प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम प्रोटीन के थ्रू अपनी बॉडी में लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा यूज नहीं कर सकता, इसलिए हम प्रोटीन के रूप में इनका यूज करते हैं। और फिर आगे चल करके यही प्रोटीन हमारी बॉडी से धीरे धीरे, जब किसी भी लिविंग्स की बॉडी खराब होती है तो मिट्टी में या तो उन्हें जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है या ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ऐसे भी फेंक देते हैं लोग, तो वो सब के सब इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो कुछ ये जो नाइट्रोजन्स है गैस फॉर्म में एनवायरमेंट में चले जाते हैं। तो एनवायरमेंट से
बैक्टीरियल बॉडी, फिर प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी से फिर ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी से फिर बैक्टीरियल और एनवायरनमेंट में आने जाने की ये प्रोसेस ही, ये साइकिल ही नाइट्रोजन साइकिल कही जाती है, और इसको हम आगे डिटेल में बाद में भी पढ़ सकते हैं।